गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम चल रहे हैं मार्केट दिवाली की साड़ी की शॉपिंग करने। तो गाइस मेरे साथ बने रहिए और बताइएगा आपको कौन सा साड़ी अच्छा लग रहा है, मैं वही लूँगी। हेलो गाइस, तो अभी हम मार्केट की तरफ जा रहे हैं और मैं अभी हूँ रिक्शे में और साड़ी की शॉप जो मैं जा रही हूँ मैं आपको बिल्कुल दिखाऊँगी। तो अब हम आ गए हैं साड़ी की शॉप में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे कलेक्शन यहाँ मिल जाते हैं और ये हमारे घर के आसपास में ही है। तो यहाँ मैं आई थी, मेरी बड़ी ननद भी आई हुई थी, उनको भी अपने लिए कुछ परचेज करना था तो हमने सोचा हम साथ में कर लेते हैं और साथ ही आप लोग को भी दिखा लेते हैं, आप भी सेलेक्ट कर लो हमारी लिए साड़ी। मैंने अभी तक नहीं ली है, मैंने जस्ट देखा है और सोचा है वीडियो बनाऊँ और आप लोग को दिखाऊँ। आप लोग जो पसंद करोगे वो मैं लूँगी, बिकॉज़ मैं बहुत चूजी हूँ साड़ी के मामले में। समझ नहीं आता क्या लूँ नहीं लूँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है क्योंकि मैं बहुत कम साड़ी पहनती हूँ और जो भी पहनती हूँ थोड़ा सा लाइट वेटेड पसंद है। और साड़ी जो भी दिखा रहे थे ये हैवी साड़ी दिखा रहे थे और सिंपल में उतना अलग सा डिज़ाइन नज़र नहीं आ रहा था। तो आप देखिए गाइस, ये पिंक वाली साड़ी भी बहुत अच्छी है, ये ऑर्गेन्जा सिल्क की साड़ी थी बट इसका पैटर्न हमें पसंद नहीं आया। फिर हमने येलो देखा, फिर हमने कुछ चुनरी प्रिंट में देखा बट दीदी को एक पसंद आया, दीदी ने लिया हुआ है, उसका पिक्चर में कैप्चर नहीं कर पाई, वो मिलने के बाद मैं ज़रूर दिखाऊंगी आपको। फिर हमने ऑर्गेन्जा देखा, ये पीच कलर की साड़ी थी, बहुत ही अच्छी थी, प्राइस भी अकॉर्डिंग 2600-2700 की थी, अच्छी थी साड़ी बट इसका कलर हमें पसंद नहीं आ रहा था। तो फिर हमने दूसरा देखा, तो साड़ियों के दुकान में आप जान सकते हो जाने से कैसा होता है हमारे साथ। और एक ये साड़ी जो मुझे बहुत ही खूबसूरत लगी थी, तो देखते हैं गाइज आप लोग पसंद करिए। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइज, बने रहिएगा वीडियो पे। आज मैं आपको 5 साड़ियाँ दिखाऊंगी, आप प्लीज़ उसमें से सेलेक्ट करना दिवाली के लिए कौन सा सूटेबल रहेगा। और वो साड़ी की सारी साड़ियाँ पुरानी हैं तो इस बार नई साड़ी ना खरीद के मैंने सोचा है पुराने को ही रिलुक दूँ। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको, अपने दिखाने जा रही हूँ आपको वो 5 साड़ियाँ, आप प्लीज़ उसमें से सेलेक्ट करिएगा कौन सा मैं दिवाली के लिए पहनूँ। और ये कुछ अलग अलग मटेरियल में है जिससे आपको भी आइडिया मिलेगा कि किस तरह का साड़ी हम लोग पुराना होते हुए भी न्यू तरह से पहन सकते हैं। और मैं आपको उस साड़ी में एक लुक भी दिखाऊँगी। तो स्टार्ट करते हैं गाइस, ये प्योर रेड कलर की साड़ी है, इसमें ये मैंने खुद से बनवाया था, ये बुटीक साड़ी है और ये प्लेन सिफोन की साड़ी है और ये रेड है, बहुत मीठा सा रेड कलर है इसका। और ये मैंने ये लेस लगवाया था और इसके साथ ये ब्लू रॉयल ब्लू कलर का ब्लाउज है मेरे पास, जो कि कोई भी ब्लाउज ऐसे इसमें मैच कर जाएगा, चाहे आप गोल्डन पहनो, पिंक पहनो, ब्लू पहनो। तो बाई चांस अगर आपको पुराने वाले ब्लाउजेस टाइट हो चुके हैं तो न्यू पैटर्न में कोई भी गोल्डन या पिंक कलर का पहन सकते हो। और ये बहुत ही लाइट वेट साड़ी है और ये सिंपल में बहुत ही अच्छा लुक देता है। तो ये भी एक साड़ी, ये अप्रोक्स 10 ईयर्स हो गया ये साड़ी का, मैंने अभी तक दोबारा ट्राई नहीं किया है। मैंने ये दुर्गाइस ये साड़ी कैसा लगता है, मैं तो इसको सोच रही थी कलर भी चेंज करवाऊँ, इसको डाई करवा के इसका कलर चेंज करवा दूँ, बिकॉज रेड कलर जल्दी पहनने में थोड़ा सा हिचकिचाहट होता है। तो एक ये साड़ी आपने देखा, अब मैं दिखाऊँगी दूसरी साड़ी। तो ये है मेरी दूसरी साड़ी जो कि आप देख सकते हैं, ये लाइट ऑरेंज सेट की साड़ी है बट ये प्रॉपर ऑरेंज कलर नहीं है। तो ये इस तरह से इसका हैवी वर्क है और पूरी साड़ी में छोटे छोटे बूटियाँ बने हुए हैं। ये भी मेरे पास, ये भी इस साड़ी का भी शायद, ये साड़ी भी काफ़ी पुरानी है गाइस, मुझे लगता है ये 4-4.5 ईयर हो चुके हैं ये साड़ी को, और मैंने इसे एक ही बार स्टाइल किया है करवा चौथ के लिए। तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट करिएगा ये साड़ी कैसा लगेगा मेरे पे अगर मैं इसको दिवाली में पहनूँ। तो ये इस तरह से साड़ी है, इसमें लेस का वर्क किया हुआ है और छोटे छोटे बूटियाँ बने हुए हैं। वैसे ये साड़ी अच्छी लगती है बट मैंने अभी तक इसको एक ही बार ट्राई किया है। तो ये देख लिया आपने, मैं आपको दिखाऊंगी दूसरी साड़ी। ये बनारसी साड़ी प्योर रेड में, ये 2 साल से मेरे पास है पर मैंने अभी तक इसको पहना नहीं है। बनारसी सिल्क साड़ी जो कि 2 साल हो चुका है, मैंने अभी तक इसको पहना नहीं है। तो ये इसका आँचल है और बहुत ही लाइट वेट साड़ी है, देखने में ये हैवी लगती है बट ये बहुत ही लाइट वेट साड़ी है। ये साड़ी ये इस तरह से बॉर्डर है और ये छोटे छोटे बूटियाँ बने हैं फुल साड़ी में,
और जैसे कि आपने देखा ये है आंचल और ये है साड़ी का ब्लाउज पीस जो कि मैंने अभी निकलवाया भी नहीं है, बाजू के लिए है शायद। तो ये इस तरह से लुक की साड़ी है गाइज। ये सब साड़ी बहुत ही रीजनेबल प्राइस में आपको मार्केट में मिल जाएगा या आप ऑनलाइन स्टोर से देखोगे तो वहाँ भी मिल जाएगा। ये मैंने ऑनलाइन ही मंगवाई थी ये साड़ी और बहुत ही लाइट वेट, बहुत ही खूबसूरत है, बजट फ्रेंडली है ये साड़ी। गाइज मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस तरह से आप लोग के सामने आऊँगी, मैंने कभी सोचा नहीं था गाइज कि मैं इस तरह से आप लोग के सामने आऊँगी, बट ट्रस्ट में मैं फर्स्ट डे एक वीडियो बनाया जब से, और आप लोग का प्यार देके मुझे बहुत ही खुशी मिली। अब मैं सोच रही हूँ कि जो इंसान को अच्छा लगे वो करना चाहिए और ट्राई ज़रूर एक बार करना चाहिए, देखा जाएगा आगे क्या होता है। और आप लोग का सपोर्ट रहा तो गाइज ऐसे ही हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट साड़ी की तरफ जो कि ये साड़ी है, चंदेरी सिल्क की साड़ी है ये। इसमें मीनाकारी बॉर्डर डिज़ाइन किया हुआ है, ये नीचे बॉर्डर है और पूरी साड़ी में इस तरह से लाइनिंग किया हुआ है। बहुत ही लाइट वेट साड़ी है गाइस, देखने से ही हैवी लगती है पर बहुत ही कंफर्टेबल, बहुत ही लाइट वेट साड़ी है। आई रियली लव दिस कलर बिकॉज थोड़ा सा ये हटके है लुक। अगर रेड येलो नहीं पहनना है तो ये सब कलर भी आप ट्राई कर सकते हो, बहुत ही प्यारा लगेगा, कुछ हटके लगेगा। मैंने पहना एक बार, मेरे फ्रेंड अगर किसी ने ये मुझे देखा इस साड़ी में तो प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिएगा। ये मैंने गृह प्रवेश के दूसरे दिन पहना था मेरे घर के ओपनिंग सेरेमनी में, और ये बहुत ही प्यारा साड़ी है, मुझे तो बहुत पसंद आया। आप लोग को कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा। और तो मैं भी थी, आपको आज का दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल है, आप जानना चाहते हैं क्या है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, बिकॉज कभी कभी इंसान का रेगुलर लाइफ में भी कुछ ऐसा हो जाता है जो कि बहुत मेमोरेबल हो जाता है। और मैं एक साड़ी बच गई है, मैं वो आपको दिखाने जा रही हूँ। तो वो साड़ी है ये साड़ी, वन ऑफ माई फेवरेट साड़ी है ये दो कलर की साड़ी है ये दो कलर की। इसको मैंने कस्टमाइज़ कराया था, पहले ये साड़ी बिल्कुल ऐसे नहीं थी, वो बहुत ही हैवी सी साड़ी थी और मैंने इसको कस्टमाइज़ करवा के चेंज कर दिया, मतलब ये पहले दूसरे कलर और दूसरा एम्ब्रॉयडरी किया हुआ था और मैंने इसको न्यू लेस और न्यू फैब्रिक लेके न्यू लुक किया है। और ये हाफ एंड हाफ साड़ी थी और वो बहुत हैवी थी गाइस, बहुत हैवी थी। आपको जानना है ये कौन सी साड़ी थी पहले का, और शायद किसी किसी को पता भी होगा जो भी मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं, तो अदरवाइज नहीं तो मैं ये साड़ी का आपको पिक दिखा दूँगी। और ये भी साड़ी, ये क्रीम कलर है, वाइटी क्रीम कलर है और इसकी पटली जो है वो ऐसे कलर की है। तो होप ये भी साड़ी अच्छी लगेगी। देखिए ये इस तरह की साड़ी है और इसके साथ ग्रीन कलर की ब्लाउज है। और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा इन सारी साड़ियों में आपको कौन सी, और प्लीज़ गाइस कमेंट ज़रूर करिएगा इन सारी साड़ियों में से आपको कौन सी साड़ी अच्छी लगी। और साड़ी फाइनल होने के बाद इसके साथ का मैं ज्वेलरी भी आपको ज़रूर दिखाऊँगी। तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा अपने फैमिली में। होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आया हो, और नेक्स्ट वीडियो में आप क्या देखना चाहेंगे कमेंट ज़रूर करिएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते फ्रेंड्स, प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, उसके पैसे नहीं लगते हैं, जस्ट एक सब्सक्राइब मुझे बहुत ही मोटिवेट करेगा। तो गाइज बाय, आज के लिए इतना ही।